हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे राहु के बारे में। बहुत इम्पोर्टेंट प्लैनेट है और हर जगह राहु ही राहु है। आप देखते होंगे सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब हर जगह राहु है। कोई भी राहु से बचा हुआ नहीं, क्योंकि ये जो पीरियड है, ये जो एज चल रहा है, जो युग चल रहा है, ये राहु का ही युग है। इसमें इनोवेशंस भी होंगे। इसमें यहाँ आप, मैंने बहुत बार कहा, राहु आवश्यकता से आविष्कार की जननी को दिखाता है। राहु लाभ से लोभ उत्पन्न करता है, 1 से 2, 2 से 3। आप देखते होंगे बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत बार आपने सुना होगा कि यार 10 करोड़ रुपए थे उस ऑफिसर के पास, है ना, और रिश्वत लेता था या कुछ भी करता था, है ना, ईडी या इनकम टैक्स वालों ने पकड़ लिया। तो कई बार ये सवाल पूछते हैं, यार जब 10 करोड़ कमा लिए तो शांति से कहीं बैठ जाता, काम करता, अपना कहीं चला जाता। लेकिन इसी को राहु कहते हैं। वो 10 करोड़ भी उसे 10 लाख की तरह नज़र आते हैं। राहु पहले आपको 1 रुपए का लालच देता है, फिर 1 से वो 10 बनाने के पीछे आपको भगाता है, फिर 10 से 100, फिर 100 से 1000, और 1000 से 1 लाख, 1 लाख से 10 लाख, 10 लाख से करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 1000 करोड़, और आपको हर बार कम ही लगेगा। आपको लगेगा कि यार पहले मेरा जो गुजारा है वो 10,000 रुपये में भी हो जाता था, लेकिन अब 10 लाख में भी नहीं हो रहा है, 10 लाख भी कम हो रहे। और इसी वजह से आप दुखी भी हो जाते हैं, इसी वजह से आप मानसिक तौर पे परेशान भी रहते हैं। और इसी क्योंकि ये राहु की जो ग्रीड है, ये जो राहु पहले लाभ के बारे में सोचता है, फिर उसके बाद हम लोग लोभ में फंस जाते हैं, यही एक प्रोसेस है राहु का। जितनी भी अफवाहें हैं, जितनी भी चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है, बढ़ाना है, एक्सपेंड करना है, हमारी डिज़ायर्स हो, हमारी ग्रीड हो, उसमें राहु का इन्वॉल्वमेंट रहता है। आपको बड़ा महान बनाने में भी राहु का रोल है, उसकी चर्चा मैं दूसरी वीडियो में करूंगा आपको, लेकिन आज हम राहु के बारे में बात करते हैं। जैसे आप देखते होंगे कोई भी चीज़ सोशल मीडिया, यूट्यूब पे एकदम फैलती है, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये थोड़ा ज़्यादा लोगों तक फैल जाएगा, ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, मल्टीपल पीपल तक, मतलब ये तो ये जो प्रोसेस है, ये राहु है। आप रक्त बीज के बारे में जानते होंगे, रक्त बीज के बारे में सुनता होगा कि धरती पे खून की बूंद गिरती थी और वैसे ही राक्षस पैदा हो जाते थे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो। आप न्यूक्लियर चेन रिएक्शन के बारे में पढ़ते होंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में पढ़ते होंगे कि जब कि उसमें एक चेन रिएक्शन होता है, वो क्यों इतने एक साथ कहीं एक छोटी जगह पे हम उसको जब लॉन्च करते हैं तो वो अपने साथ बहुत बड़े एरिया को कवर कर लेता है, ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें एक चेन रिएक्शन होता है, दैट इज़ राहु। राहु मार्स बड़ा एक्सप्लोजन होता है, राहु मार्स कॉम्बिनेशन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, राहु मार्स कॉम्बिनेशन रक्त बीज का कॉम्बिनेशन है। मार्स क्योंकि ब्लड को रिप्रेजेंट करता है, कैंसर देने में राहु का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये अनकंट्रोल्ड चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसीलिए आज की डेट में बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा लोग कैंसर से मृत्यु होती है। तो राहु आपको महान भी बना सकता है, लेकिन राहु कैंसर भी दे सकता है, इसके भी कॉम्बिनेशन होते हैं चार्ट के अंदर। अगर राहु का जो राशि स्वामी है, राहु का राशि स्वामी आप देखें अपनी जन्म कुंडली में, वो कहीं पर शनि मंगल के साथ शुक्र की राशि में या शुक्र से प्रभावित हो जाए, देखिए योग बनाना सीखिए। योग कैसे बनते हैं, जैसे राहु मान लीजिए मेष राशि में बैठा, ठीक, और मान लीजिए कि मंगल शनि की राशि में बैठ जाए जाकर के, और वो शुक्र के साथ हो, तो ये भी एक तरीके का कॉम्बिनेशन बन जाता है कि राहु का डिस्पोजिटर शनि और शुक्र के प्रभाव में है। या इसको ऐसे समझ लीजिए कि राहु मकर राशि में है शुक्र के साथ, और शनि मंगल की युति है कहीं पर आपके चार्ट में, तो ये राहु शनि मंगल और शुक्र तीनों से कहीं ना कहीं संबंध बना चुका है राशि स्वामी की वजह से। जरूरी नहीं कि कंजंक्ट हो। राहु अगर लिब्रा राशि का है और उसमें मंगल बैठा हुआ है, और शुक्र कहीं शनि की राशि में है या शुक्र कहीं शनि के साथ है, तो ये राहु तीनों ग्रहों से संबंध बना चुका है। ये जो कॉम्बिनेशन होता है, ये माँ चामुंडा का कॉम्बिनेशन है। राहु मार्स कॉम्बिनेशन मैंने पहले भी कहा था, बृहस्पति के प्रभाव में, बृहस्पति की राशि में खाटू श्याम जी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये साथ ही साथ माँ चामुंडा को भी रिप्रेजेंट करता है, खून को जो
पी जाते थे कि भाई एक सॉल्यूशन है, माँ काली माँ दुर्गा ने इंस्ट्रक्ट किया कि आपको एक भी बूंद जो है धरती पे नहीं गिरानी है ना, एक पी जाना है। तो और मार्स इन्वॉल्व है उसमें, राहु इन्वॉल्व है, पी जाना, इनगल्फ करना किसी चीज़ को। अब यहाँ पे थोड़ा सा दूसरा प्लैनेट ऐड हो जाएंगे, माँ ज्वाला का जो कॉम्बिनेशन है वो आप देखिए कि राहु स्कॉर्पियो में हो और मंगल उसके त्रिकोण में बैठा हो, या राहु मार्स कॉम्बिनेशन, क्योंकि माँ ज्वाला ज्वाला राहु मार्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ज्वाला। मान लीजिए जुपिटर आपका मेष राशि में है, मान लीजिए बृहस्पति आपका मेष राशि में है और मंगल कहीं राहु के साथ बैठ जाए, ठीक है, या बृहस्पति मेष राशि में है, राहु स्कॉर्पियो का है और मंगल उसके त्रिकोण में बैठ जाए, तो ये जुपिटर मार्स राहु का संबंध है। संबंधों को बनाना सीखिए, बनाना नहीं, ये इसी प्रकार के होते हैं चार्ट के अंदर, कॉम्बिनेशन और योग बनते हैं। बहुत सारे लोगों को सिर्फ ये लगता है कि युति से योग बनता है, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इट्स ए एडवांस डिस्पोजिटर थ्योरी। राहु शुक्र जब कैप्रिकॉन में हो और शनि धनु राशि का हो, मां त्रिपुर सुंदरी का कॉम्बिनेशन है ये, राहु कैप्रिकॉन का हो और शनि शुक्र की युति हो, राज राजेश्वरी मां त्रिपुर सुंदरी का कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो ऐसे लोग आप राहु को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप इन डीटीज की तरफ आप जा सकते हैं, माँ काली की तरफ जा सकते हैं। काली और कुछ नहीं, हमारा जो इनर डार्कनेस है उसको रिप्रेजेंट करता है, अगर आप सिंबॉलिकली कुछ चीज समझना चाहते हैं कि हम अपनी डिजायर्स और अपनी एक्सपेक्टेशंस को कैसे कंट्रोल करें। और ज्योतिष सिर्फ अपने को सही करने पर बल देता है, सामने से क्या आ रहा है उस पर हमें, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। तो आप में से जो लोग हमेशा पूछते हैं कि राहु का रेमेडी क्या है, सबसे बड़ा रेमेडी यही है, माँ काली की तरफ जाना और माँ चामुंडा की तरफ जाना, त्रिपुर माँ त्रिपुर सुंदरी की तरफ जाना। ये इनको समझें, इनकी साधना में इन्वॉल्व हों, या इनके आशीर्वाद, इनके दर्शन, या दुर्गा सप्तशती का जो रक्त बीज वध का जो अध्याय है उसका आप रोज जाप कर सकते हैं या पाठ कर सकते हैं, आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग आप देखिए कि इन सब चीज़ों की तरफ ऑलरेडी अट्रैक्टेड होते हैं और वो सारे कॉम्बिनेशन आपके चार्ट के अंदर होते हैं। तो राहु और मार्स रक्त बीज, यानी यहाँ पे मल्टीपल समझाने का मतलब है कि राहु हर जगह कहाँ कहाँ कैसे कैसे इन्वॉल्व होता है। जैसे राहु शुक्र हो तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग या मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, पैसे को मल्टीप्लाई जरूर करेगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपकी लिविंग सिग्निफिकेशंस को हार्म करेगा, यानी शुक्र यानी पत्नी को कुछ ना कुछ इश्यूज क्रिएट जरूर करेगा। राहु मंगल हो तो ये आर्मी का बड़ा कारवां बन जाता है राहु मंगल की दृष्टि में हो, या ये एक ऐसा बनता है जिसके अंडर बहुत सारे पुलिस वाले काम करते हैं, या बिजली का बड़ा ट्रांसफार्मर या एक बड़ा जगह बन जाता है राहु मार्स, बड़ा लैंड, बड़ी प्रॉपर्टी, ये सब बन जाता है, ठीक है, आर्मी या डिफेंस का बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना देता है राहु मार्स। लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके अंदर एक अनकंट्रोल्ड अग्रेशन भी क्रिएट करता है राहु मार्स। ऐसे लोगों को तो माँ चामुंडा की तरफ जाना चाहिए, ठीक है, रक्त बीज वध का जो अध्याय है दुर्गा सप्तशती में उसका पाठ करना चाहिए। राहु शुक्र में आपके पास अनलिमिटेड अनकंट्रोल्ड डिजायर्स होंगी, किससे रिलेटेड, पैसे को लेकर के, लग्जरी को लेकर के, कंफर्ट। हो सकता है आप कपड़े खरीदते हैं तो आप पूरा एक बहुत सारे कपड़े खरीद के रखते हैं लेकिन आप उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं, क्योंकि वो मल्टीपल देगा जब भी देगा। राहु शुक्र, शुक्र से जुड़ी सिग्निफिकेशन में मल्टीपल सिटी लेके आ जाएगा। आपने ज्यादा एक बार आपको पैसे का लालच होगा, पैसे के पीछे भगाएगा और आप फिर भागते रहेंगे, वो कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में सफर करता है या भोग में लेके चला जाएगा। अगर राहु शुक्र है तो वो देवी की साधना की तरफ लेके जाए तो दैट इज अ फाइन,
लेकिन आप हमेशा देखें कि राहु शुक्र की युति है तो या तो रिलेशनशिप में चीटिंग या आपके साथ चीटिंग होने की संभावना बन जाती है पैसे को लेकर के, रिलेशनशिप में लेकर, ठीक। आप बहुत ज़्यादा उसमें एक अंधी दौड़ में नहीं ना दौड़ें। राहु मार्स है, राहु मार्स में क्या है, आपके प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन ये सब देगा आपको, लेकिन कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीटिंग करवाएगा या आप करेंगे ग्रीड में। आपको एक अनकंट्रोल्ड अग्रेशन भी देगा, फ्रस्ट्रेशन भी देगा, एकदम से रिएक्ट इम्पेशेंट हो जाना ये भी आपको देगा। तो उसका रेमेडी मैंने आपको बताया कि आपको अपने अंदर पेशेंस लेके आए, जल्दबाजी हेस्टनेस ना करें, ठीक है। राहु मरकरी है, बहुत ज़्यादा क्यूरियसिटी है चीज़ों या गैजेट्स बुक्स, मतलब मल्टीपल चाहिए। ये डबल डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, फॉरेन एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। लेकिन कई बार वो क्यूरियोसिटी इतने ज़्यादा होती है, या तो ये आपके कम्युनिकेशन, जैसे आप अपने शब्दों को तोल मोल के, तोड़ मरोड़ के उसको पेश करना, तो मैं हमेशा कहता हूँ मरकरी राहु जो कॉम्बिनेशन है वो डिजिटल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। डिजिटली जो शब्द लिखे जाते हैं आपको बहुत अच्छा लगता है जब आप डिजिटली आर्टिकल पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें आप शब्दों के साथ खेलते हैं। राहु मरकरी हो सकता है कि आप अपने शब्दों से खेलते हों, वो आपका स्किल भी हो सकता है कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियसिटी है जानने की, तो होगा क्या कि आपके लूप होल बहुत छूट जाएंगे, किसी चीज़ को जल्दी सीखना और उसके पीछे भागना। सो राहु मरकरी में आपने क्या करना है, आपने बहुत ज़्यादा चालाक प्रवृत्ति के नहीं बनना है, आपने नेगेटिव वे में इस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करना है कि आप अपने शब्दों से, जैसे बहुत सारे लोग कुछ भी बेच सकते हैं, वो लोगों ने ताजमहल तक बेच दिया आपने अपनी वाणी के दम पे, है ना, राहु मरकरी। हालांकि राहु मरकरी इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन, बातों नहीं, एक बात को बार बार रिपीट करने वाला, मल्टीपल डिग्रीज, मल्टीपल जगहों का नॉलेज रखने वाला, मैं ये भी सीख लूँ। तो एट द एंड ये हो सकता है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन। तो आप एक चीज को अच्छे से सीखें और एक चीज़ पर ज़्यादा फोकस करें, इसी को ब्रह्मांड बुद्धि योग भी कहते हैं, और भ्रमित करने वाला योग भी ये हो जाता है, ठीक। अब राहु और चंद्रमा को अगर हम देखें, राहु और चंद्रमा में क्या होता है कि राहु चंद्रमा की जो युति है उसमें आदमी, देखिए राहु सर्कल की तरह है तो चंद्रमा थॉट प्रोसेस है, ये बहुत इल्यूजन में रखता है, एक ही थॉट बार बार आना, उसी सर्कल में व्यक्ति घूमता रहता है, जैसे लूप होता है, एक गाना बार बार सुनना, एक चीज़ के थॉट बार बार करना, ये राहु चंद्रमा की निशानी है। इनका इमेजिनेशन अलग लेवल पे पहुंच जाता है, इनका इमेजिनेशन एक, इसीलिए इन लोगों को मेडिटेशन और अपने थॉट प्रोसेस, अपने मन को कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि राहु यहाँ आपके थॉट प्रोसेस को कॉन्टिन्यूसली मल्टीप्लाई करता है, बड़ा सोचने पर मजबूर करता है आपको, हर चीज़ में बड़ा चाहिए, या ऐसा व्यक्ति या तो खुद भी जैसे वास्तु का महावास्तु बना देगा, बड़ी एक्सपेक्टेशंस, हर चीज़ में बड़ा दिखना या दिखाना, या उसके चक्कर में कहीं ना कहीं आपको मेंटली परेशान करेगा राहु चंद्रमा की युति। हालांकि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हो सकती है, इनोवेटिव हो सकते हैं आप, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट कहीं ना कहीं आपको ऑब्सेशन भी देता है, फिर ये पानी से फियर भी दे सकता है आपको, पानी से भय भी दे सकता, पानी से डूबने की आशंका, ये सब रहता है, ड्रीम्स आते हैं राहु चंद्रमा युति वालों को। हालांकि ये समंदर, क्यों इनको समंदर के किनारे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि समंदर वास्टनेस है, बड़ा है, उसमें बहुत सारी नदियां सम्मिलित हो जाती हैं, मिलती हैं आकर के, तो ऐसी जगहों, ऐसी प्लेसेस की तरफ अट्रैक्ट होंगे जहाँ जैसे समंदर, यात्राओं की तरफ, खर्चे की तरफ, खा रहा है तो उसको ये मालूम नहीं कितना खाना है, अनलिमिटेड अनकंट्रोल्ड एक हंगर भी देता है, दूसरों को भी खिलाना कि खाइए, और खुद को भी मालूम नहीं, चाहे वो लिक्विड का इनटेक हो, चाहे वो फिर ड्रिंकिंग या अल्कोहल से रिलेटेड हैबिट हो, तो आप उस पर कंट्रोल ज़रूर करें, आप थोड़ा डिसिप्लिन हो जाएं अपने खाने की हैबिट को लेकर के। राहु सूर्य हो तो आप देखें कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन है कि आप अपने सेल्फ को जानना चाहते हैं, अपनी आत्मा को जानते हैं, लेकिन आपको अंदर लगता है कि देर इज़ अ डार्कनेस
मेरी जो आत्मा है उसमें डार्कनेस है, मतलब इट्स नॉट एनलाइटन्ड। तो हो सकता है आप सेल्फ के बारे में खोजें, आप कि मैं कौन हूँ, उस चीज़ के मामले में अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आ व्यक्ति को नेम फेम के पीछे भगा करके, ठीक है, नेम फेम के पीछे भगा करके, या ऐसी चीज़ें जो मैंने बहुत बार कहा कि पैकेजिंग जो है बहुत अच्छा करना किसी चीज़ का और बाहर उसको बहुत अच्छा दिखाना, नाम के पीछे भागना, सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाना, हर चीज़ में मैं क्रेडिट लेना, मेरा नाम हो, वो कहीं ना कहीं आपकी ईगो को हर्ट करता है। आपके साथ फिर लोगों को रिलेशनशिप रखने में बनाने में आपको दिक्कतें हो सकती हैं। हालांकि राहु सन आप पॉलिटिशियंस के चार्ट में, बहुत सारे लोगों के चार्ट में मिलेगा, स्पेशली डिजिटल मीडिया से जुड़े जितने भी काम करते हैं, राहु सन कैमरे का कॉम्बिनेशन है। तो आप इतने ज़्यादा नेम फेम या पावर के पीछे ना भागें, सेल्फ ऑब्सेस्ड ना हो जाएं, नार्सिस्ट ना बन जाएं कि आप दूसरों को परेशान करने लगे, आप खुद भी परेशान हो जाएं, आप अपने ऊपर अपनी सेहत के ऊपर ना ध्यान दे करके इतना आप काम के पीछे भाग गए क्योंकि आपको नाम चाहिए, कि आप बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, फिर उसमें आप मैनिपुलेशन भी करने लगते हैं कि कैसे भी हो बस चाहिए। सूर्य आपकी कुर्सी है, आपकी सत्ता है, सूर्य नंबर वन को रिप्रेजेंट करता है, तो नंबर वन पे रहने की चाहत कहीं ना कहीं आपको डुबा सकती है, मैनिपुलेट कर करवा सकती है चीज़ें, ज्योतिष में है तो ज्योतिष शास्त्र या ज्योतिष को मैनिपुलेट करवा सकती है आपसे। तो आप राहु सन कॉम्बिनेशन में आप अपनी ईगो सेल्फ को कंट्रोल करें, अंदर के बारे में जाने ज़्यादा, है ना, अंदर की खोज ज़्यादा करें आप, बाहर की खोज में ज़्यादा ना जाएं, बाहर के नाम पे जाएं, क्योंकि नाम बनाने और रिकग्निशन के चक्कर में, दूसरों को खुश करने के चक्कर में कई बार आप ऐसे काम कर जाएंगे जो शायद वो क्योंकि राहु सन, सन क्या है, सन सूर्य है, राहु एक्लिप्स करता है उसको, अंधेरा, ऐसे कार्य जो शाम के समय किए जाते हैं, डार्कनेस या छिपा कर किए जाते हैं, अंधेरे में किए जाते हैं, और मैक्सिमम उल्टे काम ही अंधेरों में किए जाते हैं। तो आप, हो सकता है कि अपनी आइडेंटिटी को हाइड करना और जो आप हैं नहीं वो दिखाना, वो थोड़ा सा एक फेक अपने आप को रिप्रेजेंट करना, ये कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ये नेगेटिव ट्रेट है राहु सन का। पॉजिटिव ट्रेट है कि आप अपने बारे में, सोल के बारे में सर्च करें, आई के बारे में शायद सर्च करें कि मैं कौन हूँ, क्योंकि सन आई को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य आई को रिप्रेजेंट करता है, और ये राहु सन आपके फेम को बहुत बढ़ा सकता है अगर ये अच्छी स्थिति में होता है, योग बना के बैठा होता है, तो ये आपको बहुत फेमस बनाता है। राहु और गुरु की युति, आप देखें कि गुरु राहु की युति में, मैंने पहले भी कहा था कि राहु और गुरु एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि व्यक्ति ऑब्सेस्ड हो जाता है अपने गुरु के प्रति, अपने धर्म के प्रति, या उल्टा भी हो जाता है कि वो अपने धर्म से दूर चला जाता है, अपने धर्म से दूर चला जाता है, दूसरे रिलीजन में उसको ज़्यादा मज़ा आ रहा है, डिफरेंट कम्युनिटी में उसको ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मल्टीपल गुरुओं के पास जाना, मल्टीपल और एक जगह पे सेटिस्फाइड ना होना, क्योंकि राहु मल्टीप्लाई कर रहा है, वो उसके अंदर ज्ञान की भूख बहुत ज़्यादा है, ज्ञान प्राप्त करना चाहता है वो, गुरु से रिलेटेड गुरु, या तो आपके साथ गुरु, क्योंकि चांडाली हो गए तो गुरु आपके साथ चीटिंग करेंगे या आप अपने गुरु के साथ चीटिंग कर जाएंगे कहीं ना कहीं। आप हमेशा बड़ा चाहते हैं लाइफ में, तो इससे होगा क्या कि आपके एक्सपेक्टेशंस बड़ी होंगी, हर चीज़ में बड़ा ढूंढेंगे, तो कहीं ना कहीं वो आपके पर्सनल लाइफ में भी आपको इश्यूज क्रिएट कर सकता है। राहु जुपिटर आपको अपने गुरु के प्रति ऑब्सेसिव नहीं हो जाना है कि जो वो कह रहे हैं वही सही है, कुएं का मेंढक नहीं बनना है, आपने ब्रॉड रखना है अपना व्यू, हर कहीं से आपने जो है व्यूज हर किसी, अब एक्सेप्टेंस लाना है अपने अंदर, ऑब्सेशन नहीं लाना है, एक्सेप्टेंस लाना है कि आप दूसरे के थॉट प्रोसेस को भी एक्सेप्ट कर सकें। बाकी ये योग ऐसा है कि इन लोगों को ज्ञान पाने की चाहत रहती है, ज्ञानी लोग अच्छे लगते हैं, अट्रैक्ट होते हैं उनकी तरफ, है ना, साधु संतों की तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं। हालांकि ये चांडाल योग है तो कई बार इन लोगों को चांडाल प्रवृत्ति के लोग मिलना, बुरी संगत मिलना, अच्छे गुरु ना मिलना, ये भी इनके साथ हो जाता है। ठीक है, बृहस्पति राहु युति वाले मैंने पहले भी कहा था कि साईं बाबा की तरफ, ऐसे लोग जो अपना सर ढक के रखते हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ऑनलाइन गुरु का कॉम्बिनेशन है, ऐसे व्यक्ति इल्यूजन में, भ्रम में ज़्यादा पड़ते हैं, तो आप
थोड़ा सा इस चीज़ को प्रैक्टिकलिटी में ज़्यादा जिए, मैजिक में ज़्यादा बिलीव नहीं करना है, लॉजिक में ज़्यादा बिलीव करना है। मैजिक राहु का डोमेन होता है, वो आपको जादू दिखाता है, उस आपको लगता है ऐसे हो गया, मैंने सिक्का पानी में बहा दिया, वहाँ मैं 1 करोड़ की लॉटरी जीत गया, तो ये वहम क्रिएट होता है, ये राहु का काम है। इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि आपने सिक्का नदी में बहाया और आप जीत गए, लेकिन आपको लगेगा अरे मैजिक हो गया, जादू हो गया। जादू राहु का काम है, आपने जादू में नहीं लॉजिक में जाना है। राहु अगर आपका शनि के साथ है, माया कर्म योग, जितने भी टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, फोटोग्राफी, छाया से जुड़े कार्य हैं, छाया चित्रों से जुड़े कार्य है, वो शनि राहु है। राहु शनि ये दिखाता है कि आपको बृहद कर्म करना है, क्योंकि मल्टीपल चीज़ों में इन्वॉल्व होना है, मल्टीपल लोग आपके नीचे काम करेंगे, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना, फॉरेन में काम करना, ये सब दिखाता है। और ये भी दिखाता है कि आप कहीं ना कहीं, अगर सैटर्न राहु की होती है तो आप कहीं ना कहीं अपने काम में कई बार आपको रिकग्निशन प्राप्त नहीं होता है, दूसरे आपका रिकग्निशन या नाम या आपकी मेहनत पे कहीं ना कहीं दूसरे नाम पा जाते हैं। शनि राहु युति, छोटी जॉब से शुरुआत करना और बड़े लेवल तक जाना, ये शनि राहु है। यहाँ पे ये मल्टीपल टास्क एक साथ दो कामों में इन्वॉल्व करेगा, और अगर अच्छे योग बनाता है तो आप देखेंगे कि आपके नीचे बहुत सारे लोग काम करने वाले होंगे, मतलब ऐसी पोजीशन पे होंगे कि आप या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा काम करेंगे, क्योंकि राहु सैटर्न। अब राहु सैटर्न आपको कहीं ना कहीं शॉर्टकट में काम करना या लेजी रहना, प्रोकेस्टिनेट करना, चीज़ों को टालना, जूतों का ऑब्सेशन ये आपको देता है, मल्टीपल शूज लेना। सैटर्न से जुड़ी चीज़ें जब भी आप लेंगे तो मल्टीपल लेंगे, एक साथ दो लेंगे, उनकी तरफ एक उनको कलेक्ट करना है ना, एंटीक्स को कलेक्ट करना, हिस्ट्री में आपको इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, तो वो जो चीज़ नेसेसरी नहीं है वो भी आप कलेक्ट कर लेते हैं राहु, क्योंकि राहु क्या है, मल्टीप्लाई करता है। तो सैटर्न राहु जहाँ पर भी होगा वहाँ कहीं ना कहीं आपको डिजीज होने की और सेपरेटिव होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो ये राहु के बारे में है। राहु सैटर्न काल रात्रि का कॉम्बिनेशन है, सैटर्न वीनस के साइन में या वीनस की तरफ है, तो आप उनकी तरफ जा सकते हैं, बिकॉज राहु सैटर्न इट्सेल्फ इज़ अ डार्कनेस। आई होप आप राहु के बारे में समझ गए होंगे कि राहु को वो चीज़ भी चाहिए जिसकी उसे आवश्यकता नहीं है एक समय बाद। राहु मल्टीपल चाहता है, मल्टीप्लाई करता है चीज़ों को। यही आज का थीम था, राहु एंड ब्लड सीड, रक्त बीज। तो आप राहु को रक्त बीज से कनेक्ट कर सकते हैं कि कैसे रक्त बीज जो है मल्टीप्लाई कर लेता था। तो जितने भी डिजीज़ ऐसे होते हैं जिसमें चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं, फटाफट होती हैं, अफवाह फैलती है, एक्सपेंशन होता है चीज़ों का एकदम, वो राहु से जुड़ा हुआ है। आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, आप एकलव्य एस्ट्रोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करें, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। लेता हूँ अलविदा, प्रणाम।